आज शक्ति जिले के जयजयपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। कल राम कुमार जी के क्षेत्र में जाना था, लेकिन मुलायम सिंह जी के निधन के कारण से अंत्येष्टि कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वहाँ जाना पड़ा, और इस कारण से चंद्रपुर विधानसभा अब उसको पोस्टपोन करना पड़ा है। डर रहा है, डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफ़ी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। तरह से राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, लगातार देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ रहा था, और इसके कारण से राहुल जी ये पद यात्रा निकाले हैं कि देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग ये महंगाई को देखें, आम जनता का जीना दुभर हो गया है, बेरोजगारी इतना है कि लोग कोई रोजगार नहीं, खाली बैठे हैं। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, मतलब दोहरा मार आम जनता को पड़ रहा है, और इसी कारण से पदयात्रा कर रहे हैं। मतलब उनको गौ सेवा से मतलब नहीं है, गाय के नाम से वोट भर मांगेंगे, जाए गौठान में हमने व्यवस्था कर दी गाय माता की सेवा करे, कौन रोक रहा है, केवल उस कमजोरी दिखाने के लिए जाएंगे। और ये गौठान जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, उसको हमने पुनर्जीवित किया है, और उसमें यदि कोई कमी खामी है तो सुधारने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन रमन सिंह जी केवल गायक नाम से वोट मांगे, भारतीय जनता पार्टी केवल गायक नाम से वोट मांगे, गौ माता सेवा नहीं करेंगे। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिससे वाटर रिचार्जिंग किया जा सकता है शहरों में। दूसरा, आप देखेंगे कि हमने जो 30,000 नाले हैं उसमें से करीब आधा से कुछ कम नाला को हमने वाटर रिचार्जिंग के प्रोजेक्ट में लिया हुआ है। बहुत सारे नाले रिचार्जिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें स्ट्रक्चर खड़ा करना था, बहुत सारे हैं, उसे स्वीकृति है, स्वीकृति मिल चुकी है, उसमें काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हम लोग वाटर रिचार्जिंग काम किए हैं तो 7 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक एक साल में उसका लेवल बढ़ा है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमारी सरकार जो नरवा प्रोग्राम है उसको लिया हुआ, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि शहर में हम ड्रेन टू ड्रेन कंक्रीट कर दिए हैं, पानी कितना भी बरसे वो बह जाता है, जमीन के भीतर नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कारण से वाटर लेवल प्रभावित हो रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी मिलो तो उस पैदल चल ही रहे हैं, उसमें तकलीफ क्या है, सब मिल रहे हैं उससे, पैदल खुले अब पैदल चल रहे हैं, एक महीने सुपर हो गया है, तो जिसको जाना है जाए, है ना, वो समय देंगे, मिले उसमें कोई दिक्कत है क्या। देखिए, खेल कूद में इस प्रकार से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और ये बेहद दुखद है, लेकिन घटना तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं करता, और मृतक के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, पूरे परिवार के दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे कामना करता हूँ, और राज्य शासन की ओर से जो नियम है उसके तहत भी उसे राशि दी जा रही है। शिक्षण दान से भी मैंने 4 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, सॉरी 4 लाख रुपया देने की घोषणा मैंने की। इनके उम्र क्या क्या हो गया है, राजनाथ सिंह जी के और दूसरे नेताओं की उम्र कितनी है, प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मोदी जी के रिटायर करने वाले हैं। यदि पकड़ा गया है तो इस अधिकारी के यहाँ इतनी राशि, इस अधिकारी के यहाँ इतना सामान, हाँ वो बताएं, बयान आना चाहिए। पिछले समय ऐसी ईडी का छापा पड़ा था, 7 दिन तक ये आईटी का छापा पड़ा था, प्रेस विज्ञप्ति देना था, यहाँ दिल्ली में गया तब जाग दिए, वो भी सब मिला जुला के। तो कुल मिला के ये है कि सेंटर जो एजेंसियां हैं इसलिए बनाई जाती है कि गलत काम ना करें, और जो गलत काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम उसको स्वागत करते हैं, हम पहले भी बोले हैं जो गलत काम करने वाले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सेंट्रल एजेंसी का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए, सरकार को बदनाम करने के लिए, उनके अधिकारियों को, राजनेताओं को बदनाम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमने भी कोई कोल वाशरूम किया, क्या उसके पॉलिटिकल लाभ लिया हमने,
क्या उस प्रकार की बयानबाजी दिया? हमको पता है कौन किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाया। कार्रवाई की और उसमें जो गलत पाया गया उसको नोटिस दिया गया है, वो जवाब देंगे, नहीं तो पेनल्टी लगेगी उसके खिलाफ, जो संविधान जो नियमों प्रावधान है उसके हिसाब कार्रवाई होगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप केवल राजनीति से प्रभावित होकर कार्रवाई कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। मैं कल भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही छत्तीसगढ़ में, तो ईडी आईटी डीआरआई सीबीआई तो आ नहीं सकती, ये तीनों का दुरुपयोग कर रही है। जैसे पाकिस्तान में पहले होता था ना, 11 क्रिकेट खिलाड़ी उसके साथ 2 एम्पायर भी खेलते थे, तो ऐसी है इनकी स्थिति। भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है तो एक्स्ट्रा एम्पायर हैं उसको भी शामिल कर लिए, तो उस मामले में कुछ भारत सरकार ध्यान दे नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसमें कार्रवाई की है, बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत लोगों के खिलाफ और कार्रवाई होगी। बहुत बढ़िया है, हमारी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए। वो उन्होंने कोई प्रेस रिलीज दिया क्या कि अधिकारियों के यहाँ पकड़ा गया है, कि वो व्यापारियों के यहाँ पकड़ा गया, किसके यहाँ पकड़ा गया है? मीडिया में इस प्रकार से सूत्रों से पता चला वाले काम थोड़ी चलेगा। एक एक अधिकारी के यहाँ क्या पकड़ा गया बताया ना, बदनाम करने की कोशिश। देख महादेव ऐप जो सट्टा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार कार्रवाई की है, मैं बधाई देता हूँ। कानून तो भारत सरकार को बनाना था, क्योंकि ऑनलाइन सट्टा है, आईटी एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई होना चाहिए, और सरेआम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, लाखों परिवारों से प्रभावित आ रही है, तो क्या कार्रवाई की? रमन सिंह, हमारी सरकार ने जितने भी कोलवासी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, सभी जगह छापा डाले। रमन सिंह बताए 15 साल में कितने जगह कार्रवाई की है, वो तो बताए। और कोयला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है? कोयला खदान वो अलाट करती है, पूरे खदान जो है जितने खदान 58 चल रहा है उसमें 52 तो ACCL का है, भारत सरकार का है। प्राइवेट प्लेयर तो सब बंद ही हो गए थे, अब तो 2-4 टुक शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ? तो पूरा भारत सरकार का है। ट्रांसपोर्टिंग के मामले में स्थिति ये है कि पैसेंजर ट्रेन आप बंद कर दिए हो, लोगों को महीनों से परेशानी करके रखे हैं, सैकड़ों ट्रेनें बंद कर दी है, उसके बारे में रमन सिंह नहीं पूछ रहे हैं? उसके बारे में बोला ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्यों नहीं बोलते उसके बारे में? पैसेंजर ट्रेन क्यों बंद है? और फिर यहाँ के उद्योगों को कोयला क्यों नहीं मिल रहा है? यदि छत्तीसगढ़ की तहसील तो यहाँ के उद्योगपति कोयला दिलाए, सारे उद्योग उसे प्रभावित हो रहे हैं, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, इस मामले में मौन है। तो ये उनकी खींच है, वो डर रहे हैं, मतलब अधिकारियों को डराने का काम कर रहे हैं। बेसिकली वो अधिकारियों को डरा रहे हैं, इसका मतलब ये वो खुद डरे हुए हैं। उनको पता है, वो जमीनी हकीकत पता है, वो फेयर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी हालत जितनी है ठीक उतनी भी नहीं रहने वाली, और इस कारण से वो अपनी खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं। 15 साल तक के थे वो अधिकारी, अच्छे थे, अब आज जब सरकार में नहीं तो खराब हो गए। अधिकारी अपना काम करते हैं, संविधान के प्रति उनके उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी दी गई उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन धमकाना चमकाना बंद करे। और सबसे बड़ी बात यह है वो प्रमाणित करे कि ATM बोला है उसे, प्रमाणित करे 25 रुपये टन कोयले में ले रहा है, अन्यथा वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा देंगे क्या?